नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर, मैं हूं आदेश पुरी। देश में साइबर क्राइम रुकने का नाम नहीं ले रहा है। आजकल आप हमेशा सुनते होंगे या शिकार भी हुए होंगे साइबर ठगी के या फिर हैकिंग के। आपको बता दें कि इस हैकिंग के शिकार हुए हैं बिहार के नवनिर्वाचित पालीगंज के CPIML के विधायक संदीप सौरभ जी। आपको बताएं कि उनके फेसबुक अकाउंट को हैक कर लिया गया और काफ़ी आपत्तिजनक तस्वीरें उसके माध्यम से शेयर की गई। ISIS से संबंधित, जो कि एक आतंकी संगठन है, उससे संबंधित फोटोग्राफ जो है उनके अकाउंट पर शेयर किए गए। और बता दें आपको कि सबसे बड़ा बात कि इसमें ऐसा ऑप्शन उन्होंने हैकर ने फिक्स कर दिया था कि ये फ़ोटो डिलीट नहीं हो पा रहे थे। आपको बताएं कि जब हमने संदीप सौरभ जी से बात की तो उन्होंने क्या कहा, पहले सुनिए आप। हेलो हेलो, हाँ नमस्ते भैया, आदेश पुरी बोल रहे हैं न्यूज PR से। हाँ आदेश जी, हाँ ये आपका ये फेसबुक हैक हो गया है क्या? हाँ भैया, आज करीब 2 बजे के आसपास मेरा फेसबुक अकाउंट हैक हो गया, और जैसे ही हम लोग को पता चला, कई सारे जो हमारे समर्थक हैं उन लोगों ने कॉल करके हमें बताया कि आपका फेसबुक अकाउंट हैक हो गया। तुरंत चेक किया और देखे कि उसपे कई सारी आपत्तिजनक बातें, ISIS के पोस्ट डाले हुए हैं, और हम तुरंत ही उसके बाद कवर करने की कोशिश की, लेकिन जिसने हैक किया था उसने ये ऑप्शन खत्म कर दिया था कि हम कोई पोस्ट डिलीट करते। और उसके बाद और हमारे जो मित्र हैं उन कई लोगों से हमने संपर्क किया, फिलहाल तो वो रिकवर हो गया है, लेकिन फेसबुक ने अभी पोस्ट जो हुआ था अकाउंट जो है उसमें कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए हैं। और विधायक जी, आपने FIR दर्ज करवाया आपने थाना में? FIR दर्ज करवा दिए हैं और किसी जिले भी हैं उनको इनकी गिरफ्तारी की मांग भी कर रहे हैं। तो जैसा कि आपने सुना कि संदीप सौरभ जी कह रहे हैं कि रात को उन्हें पता चला कि उनका फेसबुक अकाउंट जो है वो हैक हो गया है, हालांकि वो रिकवर हो चुका है, लेकिन अभी भी उसमें कुछ खामियां हैं जिसके कारण वो तस्वीरें नहीं हट पा रही है, और उन्होंने इसकी शिकायत जो है वो साइबर सेल में जाके किया है, थाने में FIR किया है। आपको हम पूरी बातें जो है बताते हैं कि हैकर्स ने विधायक संदीप सौरभ के फेसबुक अकाउंट से न तो केवल छेड़छाड़ की बल्कि आतंकी संगठन ISIS की कई फ़ोटो भी अपलोड कर दिया। इससे एक और विधायक की छवि को धूमिल करने की कोशिश की गई। साथ ही हैकर्स के इस कदम से सोशल मीडिया पर कई तरह की चर्चाएं भी शुरू हो गई है। पटना की पालीगंज सीट से भाकपा माले विधायक संदीप सौरभ की फेसबुक ID से आतंकी संगठन ISIS की कई फ़ोटो डाली गई। हालांकि जल्द ही स्पष्ट हो गया कि उनका अकाउंट जो है हैक किया गया है। वही आपको बता दें कि CPIML पोलित ब्यूरो की सदस्य कविता कृष्णन ने बताया कि CPIML संदीप सौरभ का फेसबुक पेज हैक हुआ है, वह इसमें कुछ डिलीट नहीं कर पा रहे हैं। हम लगातार उनके पेज पर कंट्रोल की कोशिश कर रहे हैं, और 2020 में हुए बिहार विधानसभा चुनाव में संदीप सौरभ CPIML के टिकट पर पटना से सटे पालीगंज विधानसभा सीट से निर्वाचित हुए, और ये JNU के प्रोडक्ट हैं। JNU से ही इन्होंने पढ़ाई की और वहीं से छात्र राजनीति से जुड़े, और पहली बार 2020 के विधानसभा चुनाव में ये पालीगंज से जीत कर आए हैं, और ऐसे में हैकर्स द्वारा इनकी छवि को धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है, और इनके फेसबुक अकाउंट से कई आपत्तिजनक तस्वीरें जो हैं शेयर की गई है। हालाँकि संदीप सौरभ जी ने बताया कि अकाउंट तो रिकवर हो गया है और FIR भी दर्ज करा दिया गया है, और इन्होंने मांग किया है कि सरकार ऐसे हैकर्स पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे जो उनके अकाउंट का गलत प्रयोग किए हैं, हैक किए हैं। आपको बताएं कि जो साइबर जो सुरक्षा है वो बहुत बड़ा एक प्रश्न बनते जा रहा है बिहार में। लोगों से ऑनलाइन पैसों की ठगी, फिर से ATM में छेड़छाड़ करके ठगी करना, और सोशल मीडिया पर जितने भी अकाउंट हैं उनको हैक करना एक नया बिजनेस हो गया है, एक नया लोग का धंधा हो गया है। और सबसे बड़ी बात कि बिहार सरकार जो है उनका साइबर सेल काफ़ी इस पर भी फिसड्डी है, वो न ही लोगों के ठग किए हुए पैसे को पकड़ पाती है और न ही ऐसे हैकर्स को पकड़ पाती है जो कि किसी को छवि को धूमिल करने का प्रयास करते हैं। तो आज जो हैकर्स के शिकार बने हैं वो बिहार के नवनिर्वाचित काफ़ी जुझारू युवा विधायक संदीप सौरभ जी बने हैं, CPIML के विधायक हैं पालीगंज पटना से। तो जैसे कोई इसमें आगे अपडेट मिलेगा, हालांकि FIR दर्ज हो गया है और उनका अकाउंट रिकवर भी हो गया है, अपडेट मिलेगा हम आपको जरूर बताएंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर करें, हमारे चैनल न्यूज़ PR को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।